बताओ, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में? अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। सेक्शन 50 बताता है कि अगर आप ट्रांसफर करते हो किसी ऐसे एसेट्स का जो कि कैपिटल एसेट्स तो है आपका, लेकिन उस पर आप डेप्रिशिएशन क्लेम करते हो। समझ में आ रहा है? क्या करते हो आप? बुक्स में डेप्रिशिएशन क्लेम करते हो। जैसे कि क्या हो गया सर? सर मशीनरी हो गई। मशीनरी क्या नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड थोड़ी होता है हमारा मशीनरी। अब मशीनरी क्या है सर? हमारा कैपिटल एसेट है। अब मशीनरी को अगर हमने बेच दिया, बिजनेस की मशीनरी को अगर बेचा और मान लो ज्यादा पे बेचा, मान लो कि जैसे डब्ल्यू डी वी थी उसकी 10 रुपए की और मैंने उसको बेच दिया 15 रुपए में, सेल कर दिया 15 रुपए में, जो ये जो प्रॉफिट आता है वो क्या चीज आता है? जो प्रॉफिट आता है 5 रुपए का, वो क्या है? कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है? यही होगा। और ये जो कैपिटल गेन होगा, क्या कोई मुझे बताएगा कि इसका इंडेक्सेशन का, इसमें इंडेक्सेशन लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा इसमें इंडेक्सेशन का? नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अलाउड। क्योंकि भाई ये हमेशा और हमेशा जो ये आएगा, ये शॉर्ट टर्म आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि भाई जो हम डब्ल्यू डी वी निकाल रहे हैं, डब्ल्यू डी वी को क्या कर रहे हैं? हम हमेशा डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं उसमें से, और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू निकल रही है, हम हमेशा उसकी अपडेटेड वैल्यू ले रहे हैं या नहीं ले रहे एक्चुअल में, आज के टाइम की वैल्यू? अरे बोलो, उसकी अपडेटेड वैल्यू ले रहे हैं, आज के टाइम की वैल्यू ले रहे हैं। मतलब इस साल के बिगिनिंग में क्या उसकी अपडेटेड वैल्यू है, यानी कि डब्ल्यू डी वी उसकी साल के बिगिनिंग में क्या है, वो वाला ले रहे हैं। और यानी कि क्या बोल रहे हैं कि उतने में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, उतने में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, और जितने में हमने सेल किया वो लेंगे। जैसे मान लो कि कोई एक मशीनरी थी, मशीनरी को सेल किया गया 10 लाख रुपए में, क्या बोला गया? क्या बोला गया कि कितने में सेल किया गया? सर 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। उसको बेचने के लिए हमने 2 लाख रुपए का खर्चा किया, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे 8 लाख रुपए आ जाएंगे। नेट कंसिडरेशन 8 लाख रुपए, नेट कंसिडरेशन 8 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेनी है? डब्ल्यू डी वी ऑफ द एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है उसकी डब्ल्यू डी वी लेनी है। पढ़ा था ना आपने? मान लो कि कोई 2015 में हमने क्या खरीदा था? कोई एक एसेट खरीदा था 2015 में, कोई एक एसेट खरीदा था, और उस एसेट की हमने 2019 में सेल किया, तो फर्स्ट फोर 2019 को जो इसकी डब्ल्यू डी वी थी, क्योंकि सेल किया है 2019 एंड 20 में, तो यानी कि 19 में बिगिनिंग में अगर हम जो उसकी डब्ल्यू डी वी थी वो वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। बात आ गई क्या समझ में? जैसे कि मान लो कि उसकी वैल्यू थी हमारी 5 रुपए की, ठीक है? तो अब क्या आ गया? 8 रुपए की चीज थी, 5 रुपए में बेच दी, 3 रुपए का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया सर। कौन सा लॉस हो गया सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि कभी भी ये लॉन्ग टर्म जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम साल की बिगनिंग की ही वैल्यू ले रहे हैं उसमें। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात समझो, हम जो डेप्रिसिएशन जो हम अकाउंटिंग में करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जो डेप्रिसिएशन का पोर्शन हम अकाउंटिंग में करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है सर? ये हम पीजीबीपी में ही पढ़ेंगे, और एक यहाँ पे छोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल पूरा का पूरा बता देता हूँ कैसे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन निकालना, डेप्रिसिएशन एज पर योर अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ठीक है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलग होता है, यानी कि आपने अगर बुक्स में कुछ लिखा होगा ना, आप बोलोगे कि मेरे को डेप्रिसिएशन मिला 10 रुपए का, अकाउंटिंग के तौर पे आपने बोला 10 रुपए का डेप्रिसिएशन है, समझ में आ रहा है? और उतने से प्रॉफिट आपने कम कर दिया होगा, मान लो 100 रुपए आपने कमाए, 5 रुपए का, 50 रुपए का खर्चा दिखाया, बच गए 50 रुपए, और आपने बोला डेप्रिसिएशन और लग गया। इनकम कितनी बोलो? इनकम कितनी बिजनेस में? 60 रुपए का खर्चा हो गया ना, 40 रुपए की, ये तो समझ में आ रहा होगा, पीएनएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है? जब अकाउंट्स बनाते हो तो डिपार्टमेंट कहता है हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन निकल रहा है वो निकल रहा है 7 रुपए का, तो यहां पर लिखा जाएगा 7 रुपए इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है? और अब आप निकालोगे तो आपका जो इनकम बन जाएगा, इनकम कितना बन जाएगा? 7 रुपए में ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे 3 रुपए यहां से हटाए तो 3 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 43 रुपए। अरे बोलो, यही हो जाएगा। तो ये जो
7 रुपए हमने निकाला, वो निकाला इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है। अब सर इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे निकालते हैं समझो, हमने कहा कि 1 4 9 5 2018 को एक मशीनरी परचेज की गई, कितने की सर, 5 लाख रुपए, ठीक है। इनका डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, इनकम टैक्स वालों ने अपना डेप्रिसिएशन रेट जो है वो फिक्स दे रखा है, किस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो कि अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इस पे डेप्रिसिएशन फिक्स कर रखा है 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। वो पीजीबीपी में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। 15% के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। अब उन्होंने क्या बोला समझो, उन्होंने क्या होता है कि एक मशीनरी परचेज की गई है इतने में, और सेल के कब किया हमने, हमने उसको सेल किया, सेल किया हमने उसको 5 जून 2019 में हमने सेल कर दी। कितने रुपए में सेल कर दिया सर, 5 लाख, ये मान लो कि 4 लाख रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। अब देखो, और हमने एक एडिशनल परचेज कर ली, एडिशनल परचेज की 5 लाख रुपए की, इसको बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ एसेट्स चलता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब सुना है कभी नाम, ब्लॉक ऑफ एसेट्स यानी कि सेम कैटेगरी ऑफ चीजों के लिए उसको एक साथ मशीनरी को कर दिया जाता है। हम वहां पे क्या करते थे अकाउंटिंग में, अलग 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 अकाउंटिंग करते थे, ऐसे ही करते थे, यही करते थे ना, अलग अलग अकाउंटिंग हर एक एसेट की, अलग 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 डेप्रिसिएशन निकालते थे सबका, और उसमें क्या करते थे फिर डेप्रिसिएशन का भी रेट कहां से कहां तक, यहां से खरीदा है तो 1 साल कहां पे हो जाएगा, 1 5 2019 को 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल पर फिर हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते थे, यही करते थे। अच्छा, इससे पहले सेल कर दिया था उतने महीने का हम डिडक्ट करते थे, यही करते थे या नहीं करते थे, यही करते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडिशनल परचेज कितना हो गया, एडिशनल परचेज मान लो कि उसने एक और मशीनरी परचेज कर ली 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की उसने, 2 लाख रुपए की उसने एक और मशीनरी परचेज कर ली, और ये कब परचेज करी है सर, ये परचेज करी है 31 जैन 2019 में, ठीक है, समझ में आ गया। यही है, 2019 में एक और परचेज करी 2 लाख रुपए की, फिर उसके बाद 2019 में वो जो दोनों की दोनों है वो सेल कर दी, क्या नाम है, बोथ, बोथ मशीनरी को क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया। होगा क्या, देखो सिंपल है बड़ाई, सबसे पहले देखेंगे कि हम कब कब की बात कर रहे हैं, पहले तो 17 18 की बात करेंगे, सॉरी 18 19 की बात करेंगे, बोलो 18 19 की बात करेंगे ना, अरे बोलो 18 19 का डेप्रिसिएशन तो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर 19 और 20 का करेंगे, यही करेंगे ना, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही, आ रही है सर। देखो 18 19 रूल क्या है, रूल ये है कि अगर कोई भी एसेट किसी प्रीवियस ईयर में 180 डेज तक आपने उसको होल्ड करके रख लिया है, यानी कि 180 दिन हो गए हैं उसके पुट टू यूज, पुट टू यूज, रेडी टू यूज नहीं, पुट टू यूज से उसका क्या हो गया है, 180 डेज हो गए हैं, तो आपको फुल रेट लगेगा, क्या लगेगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, फुल रेट। फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, ठीक है। यहां पर WDV ही होता है मोस्टली, ओरिजिनल कॉस्ट यहां पर नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं यहां पर नहीं होता है इनकम टैक्स में, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज, दो लोग, एक लोग, एक दो लोग हैं जिनको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अप्लाई किया करने के लिए बोला गया है, वो है, वो क्या है, पावर जनरेशन वाले, ठीक है, जो पावर जनरेशन करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन लोगों के लिए ओपनिंग WDV वगैरह कर सक, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता था ना कि सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम लगाते चले जाते थे हर साल के लिए, वो बाकी सबको क्या करना है यहाँ पे WDV मेथड अप्लाई करना है, यानी कि वैल्यू माइनस उसकी क्या चीज हो जाता था, उसका डेप्रिसिएशन, फिर
उसमें से जितनी भी WDV बचेगी फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगता था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पर हुआ कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे फुल वैल्यू से कब लगेगा, पूरे के पूरे वैल्यू से, जब 180 दिन हो जाएंगे। सर अगर 180 दिन से कम होंगे तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर में अगर जो असेट यूज हुई है, असेट यूज हुई है पुट टू यूज से यूज हुई है, अगर वो लेस देन 180 डेज होगी तो क्या होगा सर, सर तो होगा इस पर हाफ रेट से लगेगा। किससे लगेगा, हाफ रेट से लगेगा। वहां पर हम डेज वाइज भी कैलकुलेशन करते थे, याद आ रहा है कुछ, वहां पर हम मंथ वाइज कैलकुलेशन करते थे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूं 180 दिन का मतलब क्या हो गया, 6 महीने, बोलो ऐसी है ना। यस सर, 6 मंथ के करीब। अगर वो 6 मंथ से ज्यादा यूज हुई है, आ जाओ हम अपने प्रैक्टिकल जो हमने क्वेश्चन लिया उसका करते हैं। 1/5/2000 ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, निल ओपनिंग बैलेंस। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2018, यही है ना, 18-19 की बात कर रहे हैं, यही है 18-19 की बात कर रहे हैं। तो 18-19 में प्रीवियस में बैलेंस था कुछ हमारी मशीनरी का, नहीं था सर, खरीदा ही नहीं था, कुछ था ही नहीं हमारे पास, हमने एडिशनल परचेज किया था। एडिशनल परचेज और ऐड कर दो, परचेज, एडिशनल परचेज कितना किया बोलो, एडिशनल परचेज यही किया है 18-19 में ही किया है 31 जनवरी को, बोलो, अरे बताओ। तो परचेज ऑन, तो यहां पर ना जो एडिशनल परचेज किया जाएगा इसको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है हमारे। तीन कैटेगरी कौन सी, एक तो होगा कि पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर, मतलब इस ईयर में तो खरीदी गई, वो यूज कब हुई है, नेक्स्ट ईयर से हमने पुट टू यूज किया। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि कोई भी उसके लिए कोई भी डेप्रिसिएशन या इस ईयर में कैलकुलेट, मतलब वो अलाउ नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट क्या कहता है कि इस ईयर में मैं आपको कोई भी जो है डेप्रिसिएशन में अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इस साल तो यूज किया नहीं, यूज किया अगले साल, इस साल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करने दूंगा आपको। डेप्रिसिएशन अगर क्लेम नहीं करने दूंगा तो क्या चीज हो जाएगा बोलो, आपका इनकम ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा डिपार्टमेंट क्यों मना करता है, ठीक है आ जाओ। अब बताओ वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये जो हमने खरीदा है कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इन तीन कैटेगरी में से। 31 जैन 2019 को पुट टू यूज कर लिया, यानी पुट टू यूज तो कर लिया, कितने दिन के लिए किया होगा ये, फेब मार्च 60 दिन, 61 दिन, यही किया यूज। 31 से स्टार्ट करोगे तो मतलब इसी के आसपास, मतलब 180 डेज नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, 180 डेज नहीं हुआ। जब 180 डेज नहीं हुआ तो लेस देन 180 डेज में आएगा, यहाँ कितने रुपए में आ जाएगा, 2 लाख रुपए का हमने खरीद लिया है। क्या और कुछ परचेज किया है, नहीं सर, और देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कब की आ गई, 31 मार्च 2019 को। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा इसमें से डेप्रिसिएशन फॉर 18 एंड 19 के लिए कितना निकलेगा बताओ। ये जो 2 लाख है इसको कितने साल के लिए यूज किया है, कितने टाइम के लिए यूज किया है, क्या 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज किया है, 180 डेज से कम के लिए यूज किया है, 180 डेज से कम के लिए यूज किया, ठीक है। तो यानी यूज किया है तो इस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा या हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, सर हाफ रेट से लगेगा। 2 लाख का 15% का हाफ कितना होता है, 7.5, 7.5 होता ना, अरे बोलो, 3% डिवाइड बाय 2 कर लो, यानी 1 लाख का 15% कितना आ गया, 15,000 रुपये, यही आएगा। अरे बोलो डेप्रिसिएशन कितना आ गया इस साल का, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4
2019 कितना आ जाएगा बोलो, 2 लाख में से 15,000 घटेगा, 1,85,000 रुपये। समझ में आ गया कैसे निकला? सिंपल था बड़ा। सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग में कितना था हमारे पास वो देख लो ओपनिंग में। दूसरे में हमने क्या बोला कि एडिशनल कितना परचेज किया है। अब एडिशनल परचेज में तीन कैटेगरी बनाई गई, एक तो मोर देन 180 डेज यूज किया है हमने साल में, लेस देन 180 डेज यूज किया है साल में, और साल में यूज ही नहीं किया है। जिसको साल में यूज ही नहीं किया गया, जैसे आएगा तो वैल्यू यहां पे। हाँ क्या हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स में जोड़ेंगे? हाँ जोड़ेंगे, बट इस पर डेप्रिसिएशन, ये क्यों मैंने अलग अलग किया है पता है ना, ताकि ये टोटल यहां पे आपको समझ में आ जाए। इस पर तो फुल फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, पर इस पर डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं जाएगा निल रेट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर था, और इस पर हाफ रेट से लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मान लो कि एक और मशीनरी हमने परचेज की थी, कब परचेज की थी हमने एक मशीनरी, अच्छा यहाँ पे एक और मशीनरी भी तो थी, एडिशनल थी यहाँ पे, 5 लाख वाली और मशीनरी थी। अरे 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 ये तो छूट गई हमारी। हमारी जो 5 लाख रुपए की मशीनरी थी ये भी तो परचेज की थी हमने, कब करी थी? 1 मई 2018 को। तो 1 मई 2018 को यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख। बोलो 5 लाख यहीं पे आएगा ना, ओपनिंग में तो अभी भी कुछ नहीं है। 1 मई 2018 को परचेज किया है, तो 180 डेज से ज्यादा यूज हुई है वो इधर आ गई, 2 लाख इधर आ गई। और एक और मान लो परचेज किया है 1 लाख का, 1 लाख की मशीनरी और परचेज की है, कौन सा मैंने बताया, 1 लाख की मशीनरी और परचेज की है। मान लो एडिशनल परचेज ये पहली थी, दूसरी मैंने परचेज की है 1 लाख रुपए की और परचेज की है, उसको उसको नेक्स्ट ईयर यूज किया है, नेक्स्ट ईयर यूज किया है इसको। जब नेक्स्ट ईयर इसको यूज किया है हमने, समझ में आ रहा है, इसको क्या किया है, नेक्स्ट ईयर यूज किया है, तो क्या इसमें डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा? हाँ जुड़ेगा तो पक्का, ब्लॉक में जुड़ जाएगा, ब्लॉक कर देंगे हम उसको, एक ब्लॉक बनाएंगे उसका, एसेट का एक ब्लॉक है यानी मशीनरी का ब्लॉक बन गया। तो मशीनरी का ब्लॉक बन गया तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे बताओ, 5, 6, 7, 8 लाख, 8 लाख की मशीनरी आ गई। ठीक है, अब इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। अब बताओ मेरे को डेप्रिसिएशन निकाल के कौन बताएगा, जल्दी बताओ डेप्रिसिएशन, बोलो बोलो डेप्रिसिएशन। सबसे पहले 5 लाख पे क्या पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आएगा 15% के हिसाब से? अरे 8 लाख में से 5 लाख पे तो पूरा का पूरा आएगा ना डेप्रिसिएशन का 15%। कैलकुलेट करो कितना आ गया, 75,000 रुपये, 75,000 रुपये आया। ठीक है, दूसरा 2 लाख पे, क्योंकि वो लेस देन 180 डेज हुआ है, 8 लाख में से 2 लाख पे तो ऐसे है जिस पर बोलो 180 डेज, तो यही है ना, हाफ से लगेगा, हाफ से कर दिया हमने। फिर 1 लाख, 1 लाख पर लगेगा क्या इस साल? नहीं लगेगा। तो यानी कि ये टोटल हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो यानी क्या बोलेंगे, ओपनिंग WDV एज ऑन 1st 4 2019 में कितना है बोलो, बोलो 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 कितना है, 8 लाख माइनस 15,000 माइनस 75,000, 8 लाख माइनस 15,000 माइनस 75,000 कर दो कितना आ रहा है, 1 लाख नहीं मतलब 90,000 घटा दो उसमें से, तो आ जाता 7,10,000 के करीब, यही आएगा पक्का, श्योर हो गया। अब देखो उसने एक और चीज बताई थी, उसने कहा कि हमने जो, अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ऑल मशीनरी सारी की सारी मशीनरी को कितने में सेल कर दिया, सेल किया था मशीनरी को, सेल किया ना, कहाँ किया था ये रहा, सेल में सेल कर दिया। सात लाख रुपए का सेल कर, कितना सेल किया है बताओ, 7 लाख रुपए का, कौन सी मशीनरी को सेल किया है? ये थी ए बी सी डी थी ना,
ये मान लो ए मशीनरी है, ये बी मशीनरी है, ये सी मशीनरी है, तो मान लो इस 5 लाख वाली को सेल कर दिया, यानी कितने वाली को सेल कर दिया सर, 5 लाख वाली को सेल कर दिया, यानी कि ए मशीनरी को सेल कर दिया 7 लाख रुपए में सेल कर दिया। अब क्या करेंगे, तो जो सेल कर दिया है उस पर डेप्रिसिएशन उस साल में अलाउ ही नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, उस साल में हम डेप्रिसिएशन उस पर अलाउ ही नहीं करेंगे। तो यानी कि कितना आ गया माइनस सेल, इसमें भी वही वही सेम सिस्टम आएगा, सिंपल क्या सिस्टम आ जाएगा, एडिशनल परचेज। नेक्स्ट ईयर भी वही करेंगे ना, एडिशनल परचेज कितना किया पहले ये बताओ, एडिशनल परचेज 180 डेज से ज्यादा यूज का, फिर उसके बाद 180 डेज से कम का यूज, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर यूज। इसमें से तो कुछ भी नहीं है तीनों, इस साल कुछ नहीं किया सिर्फ सेल किया है। इस बार डब्ल्यू डी बी क्या चीज हो जाएगी बताओ, डब्ल्यू डी बी कितनी आ जाएगी, 7,10,000 ही है। इसमें से सर कुछ सेल किया है क्या इस साल, हाँ सेल किया है हमने, सेल कौन सा है माइनस कर दो यहां से सेल, सेल्स कंसीडरेशन माइनस हो जाएगा। कितने में सेल कंसीडरेशन, 7 लाख में मैंने माइनस कर दिया कौन सा, पहला वाला 7 लाख में, तो यहां से 7 लाख घट जाएगा। डब्ल्यू डी बी कितना बच जाएगा जल्दी बताओ, डब्ल्यू डी बी एज ऑन 31 मार्च 2019 को डब्ल्यू डी बी बच जाएगा हमारा 10,000 का, ठीक है। ये 10,000 में कौन कौन सी है, बी एंड सी की डब्ल्यू डी बी है, ये बी एंड सी की डब्ल्यू डी बी। अब बी और सी में से इस साल तो दोनों पे दोनों को पूरा का पूरा यूज किया है हमने, इस साल दोनों को पूरा यूज किया है, तो क्या इस पर पूरा फुल रेट से लगेगा या नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन, यस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 का फुल रेट से, कितना बोलो, 15%, 1500 रुपये, 10,000 माइनस बोलो 1500 रुपये आएगा ना, 8,500, ये हो गई डब्ल्यू डी बी ऑफ टू मशीनरीज। टू मशीनरीज कौन सी थी, बी एंड सी वाली, टू मशीनरी की डब्ल्यू डी बी है ये, समझ में आ रहा है। एज ऑन फर्स्ट कितनी है बोलो, 1/4/2020 को, 19-20 चल गया ना यहाँ से, यहाँ से तो 19-20 चल गया ना, प्रीवियस ईयर 19-20 निकाल रहे हैं अब हम, 19-20 निकाल रहे हैं अब हम यहाँ से, ठीक है। ये 19-20 का डेप्रिसिएशन है क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ, डिपार्टमेंट ने अलाउ किया। अब हम क्या कह रहे हैं समझो, अब मैं कह रहा हूं कि डब्ल्यू डी बी इतनी थी और इस साल इस दोनों मशीनरी को सेल कर दिया, इन दोनों मशीनरी को सेल कर दिया, तो कुछ नहीं खरीदा और सेल कर दिया हमने कितना बताओ, ये दोनों मशीनरी को हमने सेल किया है 15,000 रुपए में। अब बताओ क्या कैपिटल गेन हुआ या नहीं हुआ हमें, 8,500 की डब्ल्यू डी बी थी और मैंने 15,000 में सेल कर दिया उसको, ठीक है। अब हमारे को क्या होता है, कैपिटल गेन आ गया इस ब्लॉक पर, कैपिटल गेन कितना आ गया जल्दी बताओ, का कैपिटल गेन आ गया। अब ये कैपिटल कौन सा गेन कौन सा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्या बात आ गई है समझ में यहां पर बोलो। तुम्हें ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन जो आएगा, ये ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा पीजीबीपी में, किसमें आएगा तुम्हारा बोलो, पीजीबीपी का है, जो मैंने इधर आपको करा दिया है, समझ में आ रहा है, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, चलो आ जाओ हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या होगा, कभी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स को अगर आप बेचोगे, कभी भी अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स को अगर आप बेचोगे, ठीक है, डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेचोगे तो क्या होगा आपका,
बोलो बोलो क्या आएगा आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। समझ में आ गया? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल में था क्या था, 15,000 का। हमारे एग्जाम्पल में क्या था अभी जो मैंने बताया आपको, फुल सर। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था यहाँ पे, 15,000। सेलिंग एक्सपेंसेस नील था, नेट कंसिडरेशन 15,000 आ गया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, डब्ल्यू डी वी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। क्या था हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर में डब्ल्यू डी वी, बोलो, 8,000, 8,500 था ना, 8,500 था बिगनिंग में। फिर उसके बाद मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा बताओ, 6,500 का मेरा क्या चीज आ गया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान था कॉन्सेप्ट वो। अब जब हम दोबारा पीजीवीपी में भी करेंगे तो और भी वहां पे और अच्छे से और समझ में आ जाएगा, वहां पे थोड़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर बस मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग बतानी थी कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है। लिख लिया था ना वो आपने? हाँ सर, बोलो। सही जो आपने 10,000 पे 15% लगाया ये वाला बताना। कहाँ पर? जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें 10,000 पे 15% लगाया था। स्क्रीन दिख रही है आपको? 10,000 जो आपके पास है ना, वहां पे दिख रहा होगा जो आपके पास 10,000, आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया था, यस सर। तो 10,000 आपको दिख रहा है, वो कौन सा दो, कौन से एसेट से, बी और सी। और बी और सी को हमने नेक्स्ट ईयर में क्या पूरा का पूरा यूज किया है या नहीं किया है? नेक्स्ट ईयर जब मैं 19 और 20 के लिए बता रहा हूँ, 19 और 20 बता रहा हूँ आपको, 19 और 20 बता रहा हूँ ना मैं आपको। अरे बोलो। हाँ वो तो पहली वाली मशीन थी ना, 12-19। 18-19 की पहले वाली मशीनरी तो सेल कर दी ना हमने, उस हाँ पर तो सर, कोई फुल डेप्रिसिएशन वाली नहीं लगाया, मशीनरी। उस पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि लास्ट में 10,000 बच गया ना सिर्फ। WDV कितनी बची, 10,000 की। अरे सर बोलो। वो 10,000 पे लगा था ना हाँ, दस वाला हजार दस मशीन। हजार का मतलब क्या है, वो किसकी WDV बची है, कौन सी मशीनरी हमारे पास दो बची हुई है? एक बात बताओ, ए मशीनरी थी, बी मशीनरी थी और सी मशीनरी थी। एक थी 5 लाख की, एक थी हमारी 2 लाख की, और एक था हमारा 1 लाख का था ना शायद, 1 लाख का था क्या? तीन, एक यस लाख की थी। मैंने बोला इसको मैंने सेल कर दिया 1920 पे, तो जिसको सेल कर देते हैं उस पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर कोई डेप्रिसिएशन लगाया क्या हमने? इसको सेल किया था हमने कितने में, 7 लाख कुछ में, यही था ना। और हमारी यस WDV थी हमारी 7,10,000 की। ये जो WDV थी हमारी 7,10,000, इसमें कितने एसेट इन्वॉल्व थे, किसकी WDV थी? ये ए की थी, बी की थी और सी की, तीनों की ब्लॉक 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 भी अलग अलग नहीं देखेंगे हम यहाँ पे। हम एक ही मशीनरी को हमें एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है, कितने के ब्लॉक था हमारे पास मशीनरी का, समझ में आ रहा है? और इसमें कौन कौन सी मशीनरी थी सर। सर? ये वाली मशीनरी थी, ये वाली मशीनरी थी, ये वाली मशीनरी थी। अच्छा, हमने सेल किस पे कर दी बताओ, हमने सेल किसको किया? इस वाली को सेल कर दिया, ए को। तो ए को सेल करने के बाद मैंने बोला कि उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसीलिए हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो जो बाकी बचा WDV, क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 पर? अरे बोलो। और ये है क्या, बी और सी तो है, बी और सी है ना। और बी और सी को नेक्स्ट ईयर में हमने पूरे साल यूज किया है, नेक्स्ट ईयर में पूरे साल यूज किया होगा ना, पुट टू यूज। हाँ जी सर। तो पूरे साल यूज किया है तो पूरा का पूरा रेट आएगा, नहीं आएगा पूरा रेट आएगा, तो इसीलिए 10,000 का 15%। टेंशन मत लो, ये वाला पीजीबीपी में और अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, 15%। ठीक है, बस मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले ले लिया तुम्हारा समझाने के लिए कि क्या क्या चीज होता है। डेप्रिशिएबल एसेट्स को अगर आप बेचोगे तो हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि हम कंसीडर ही अपडेटेड वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जरा हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। कैपिटल एसेट्स किसको कहेंगे?
कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, सिर्फ मेरी तरफ सुनना जो मैं बोल रहा हूं। कैपिटल एसेट बोले तो कोई भी एसेट्स, एनी प्रॉपर्टी इन काइंड। सब पूरा जाल फेंका गया, अच्छे से जाल फेंका गया। उसने बोला कैपिटल एसेट्स क्या क्या, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई सी भी काइंड का, वेदर मूवेबल वेदर इमूवेबल, कोई सा भी हो, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, कोई भी हो, सब कुछ कैपिटल एसेट्स है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसेसी, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो या फिर बिजनेस से कनेक्टेड ना हो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, पूरा जाल फेंका गया। समझ में आ रहा है कैपिटल गेन क्या है? पूरा जाल फेंका गया, जो कुछ भी आपके पास है सब कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। उसने बोला कि सिक्योरिटी हेल्ड बाय, चलो इसको तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कोई सा भी। उसने बोला कि सारा का सारा क्या है, कैपिटल एसेट्स है, बट डज नॉट इंक्लूड। अब उसने बोला कि चलो सीधा सीधा जाल फेंका, सारी मछलियां पकड़ ली हमने, सारी मछलियां पकड़ ली, अब मछलियों की शक्ल देखेंगे, ठीक है। कहते अच्छा स्टॉक इन ट्रेड, आ जा तू लायक नहीं है कैपिटल एसेट बनने। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो आपके बिजनेस में जो बेचते हो वही होता है स्टॉक इन ट्रेड। अरे बोलो, स्टॉक जो होता है आपके बिजनेस का वही तो होता है ना स्टॉक इन ट्रेड। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, या फिर फिनिश गुड्स हो गया, जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में स्टॉक इन ट्रेड है, उसको आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। अगर उसको बेचोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, वो कैपिटल हेड में नहीं जाएगा, कैपिटल गेन हेड में नहीं जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यहां पर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कैपिटल एसेट्स को अगर ट्रांसफर करोगे, कैपिटल एसेट्स को अगर ट्रांसफर करोगे, अगर वो कैपिटल एसेट्स है आपके लिए, तो ही वो कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन हेड में उसको टैक्स किया जाएगा। यही है बात, यही है बात। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि कैपिटल एसेट्स क्या है। उसने बोला सब कुछ कैपिटल एसेट्स है, एनी प्रॉपर्टी आपका जो भी है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी इज कैपिटल एसेट्स, वेदर कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट, चाहे आपके बिजनेस से भी क्यों ना कनेक्टेड हो। सब कुछ पूरा जाल फेंका गया, सारी मच्छियां पकड़ ली गई। सुनने वाला सब कुछ ही तुम्हारा कैपिटल एसेट्स है। अब बाद में उन्होंने बोला, धीरे धीरे निकालना चालू किया कि किस किस को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। उसने बोला पहली चीज, स्टॉक इन ट्रेड को हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। अब मान लो स्टॉक इन ट्रेड आपने बेचा, जैसे कि अब मान लो आप बेचते हो चेयर, या फिर आप बेचते हो एसी, मान लो एसी बेचने का आपका व्यापार है, आपका एसी बेचने का व्यापार है, और आपने एसी को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या इसके ट्रांसफर पे आपको कैपिटल गेन लगेगा? बोलो, बोलो, नहीं लगेगा। समझ में आ गया? नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैं जो भी WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी पड़ा हुआ, वर्किंग प्रोग्रेस पता है ना आपको क्या होता है, उस पर चेयर के सिर्फ हैंडल हैंडल बने हैं, नीचे पैर नहीं लगाए हुए, वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है। अगले साल हम, क्योंकि कैलकुलेट करते हैं एट द एंड में, ठीक है, अगले साल हम दोबारा उस पर काम करेंगे और उसके पैर लगा के बेचेंगे, तो उसको पहले जब उसका पैर नहीं लगे उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वो रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स मतलब जो पूरे के पूरे तैयार हैं हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या बोला, जो बिजनेस में यूज होने वाले जो स्टॉक इन ट्रेड है वो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। दूसरा क्या बोला, दूसरा दूसरा पर्सनल इफेक्ट्स, जो हमारे पर्सनल इफेक्ट्स हैं, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल पर्सनल एसेट जितने भी है हमारे, उसको माना नहीं गया है कैपिटल एसेट। जैसे कि वेयरिंग अपरल्स, फर्नीचर, जैसे कि अब मैं बताऊं, मूवेबल एसेट जो पर्सनल इफेक्ट है, मेरे घर का फर्नीचर पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको ट्रांसफर करता हूं, क्या वो मेरा कैपिटल एसेट्स है? बोलो, कैपिटल एसेट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरी जो वॉच है घर की, मेरी जो मैं पहनता हूं, वो मेरा पर्सनल इफेक्ट है, क्या वो ना, क्या वो कैपिटल एसेट्स है? मैं उसको किसी को भेज देता? नहीं। मेरी कार घर पे पड़ी हुई है, वो मेरा पर्सनल पर्सनल पर्पस के लिए पर्सनल इफेक्ट है, क्या वो मेरी जो कार घर पे पड़ी हुई है, क्या वो ना, उसको बेचूंगा तो कैपिटल एसेट्स आएगा, कैपिटल गेन आएगा मेरे को? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी पर्सनली थी हमारी, ठीक है, पर्सनल एसेट्स हैं जिनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। मूवेबल मेरे कपड़े थे, पुराने कपड़े मैंने खरीदे, नए कपड़े, और मैंने अपने कपड़े को बेच दिया, मैंने मैंने एक
लिवाइस की जीन्स खरीदी 4,000 रुपए की, और उसको मैंने 3,000 रुपए में ये दे दिया एक साल यूज करने के बाद किसी को, समझ में आ रहा है? क्या वो मेरा कैपिटल गेन आएगा? बोलो, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा कैपिटल एसेट्स ही नहीं है। कैपिटल गेन आने के लिए वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, तो एसेट तो वो है ही नहीं। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, अब समझो इसने जो दूसरा कैटेगरी बताया कि मूवेबल जो तुम्हारी पर्सनल चीज होगी ना, उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, बट एक्सक्लूड, यानी कि पर्सनल इफेक्ट किसका, एसएससी और उसके मेंबर ने यूज किया हो उसको, ठीक है, वो यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल इफेक्ट। लेकिन कुछ चीजों को आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, जैसे हो गया ज्वेलरी, आपके घर में गोल्ड रिंग है, ठीक है, गोल्ड का नेकलेस पड़ा है, उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स है वो आपकी, क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, वो कैपिटल एसेट्स है। अगर मैंने गोल्ड बेच दिया, 5 लाख का गोल्ड था, मैंने 7 लाख में किसी को बेच दिया, तो क्या होगा, वो मेरे को कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हमारे पास जितनी भी ज्वेलरी घर में पड़ी है, वो सारी की सारी हमारी कैपिटल एसेट्स है। अगर उस कैपिटल एसेट्स को आपने किसी को सेल कर दिया है, और सेल करके कुछ पैसा आ गया, तो उस इनकम को कौन से हेड में टैक्स किया जाएगा, बोलो, कैपिटल गेन हेड में। समझ में आया? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, मैंने बताया था आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब कौन कौन से होते हैं, जो पुरानी मूर्तिकार्स वगैरह होती है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, उनकी वैल्यू आजकल बहुत होती है, ठीक है। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, स्कल्पचर वगैरह वही चीज हो गई, ठीक है, और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इन चीजों को, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या चीजें हैं, पर्सनल इफेक्ट है। ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आते हैं। अगर ये चीज आपके पास है, तो उसको अगर बेचोगे, पेंटिंग्स आपने बेच दी कोई, कहां पर उससे जो इनकम आएगी, मान लो पेंटिंग आपने बेची और उससे 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 इनकम आ गई आपको कुछ, वो इनकम पर क्या कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा? यस सर, कैपिटल गेन आएगा। मैंने कोई पिकासा की पेंटिंग खरीद के लेके आया मार्केट से 5,000 रुपए की, और उसको मैंने 6,000 रुपए में निकाल दिया, या 10,000 रुपए में निकाल दिया, तो उसका क्या चीज होगा, बोलो, अरे बोलो, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? यस, कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर पिकासा की पेंटिंग बेचना मेरा बिजनेस है, तो वो तो फिर स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो क्या वो उस पर कैपिटल गेन में हेड में टैक्स होगा वो इनकम, या फिर पीजीबीपी में टैक्स होगा? पीजीबीपी। क्या चीज बिल्कुल समझ में आ रही है आपके, आपकी चीजें समझ में आ रही है सही से? चलो, यानी कि सबसे पहले दोबारा दोहराते हैं हम कि कैपिटल एसेट्स किसको कहा जाएगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। सब पे जाल फेंका गया, सारा कैपिटल एसेट्स है, बट एक्सक्लूड कर दिया गया सबसे पहला क्या, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है, पर्सनल इफेक्ट हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, बट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये हमारा क्या चीज होगा, कैपिटल एसेट्स होगा। तीसरी बात उसने कर दी, उसने कहा कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, जो भी कोई अगर लैंड इन इंडिया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, लैंड बेचा, कौन सा लैंड है सर, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड भी रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में जो होता है वही तो एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अगर रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेचा इन इंडिया, उसको भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अगर उसको कैपिटल, आपने उसको बेचकर कुछ इनकम कमाई है, तो वो कैपिटल गेन उस पर राइज नहीं किया जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई है या नहीं आई है? चलो, गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स यानी कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, इनको ये स्कीम कौन लाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड बाय गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इन सभी को, गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, इनको अगर ट्रेड करते हो आप, इनको अगर ट्रेड करते हो आप, इनको ट्रांसफर करते हो किसी और कुछ कमाते हो, तो उस पर क्या नहीं लगेगा, बोलो बोलो, क्या नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं मानेगा। आपको पता है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम मतलब क्या होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, इस स्कीम के तहत ना क्या होता था कि आपके घर में जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ है,
सोना चांदी जितना भी पड़ा हुआ है, नेकलेस पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करते हो, गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, इसको ना हमें जमा कर दो, गवर्नमेंट को जमा कर दो और हमसे क्या ले जाओ, गोल्ड बॉन्ड्स ले जाओ उतनी वैल्यू के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि क्या बोला, ये मान लो कि 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख का मेरे पास क्या था, गोल्ड, मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया 5 लाख का गोल्ड, तो यानी मेरी वैल्यू कितनी थी 5 लाख की। गवर्नमेंट बोलता है कि एक बॉन्ड की कीमत है 100 रुपए या फिर एक बॉन्ड की कीमत है 1000 रुपए, आपको कितने बॉन्ड मिल जाएंगे यहाँ पे, बोलो 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 कितने बॉन्ड मिलेंगे बताओ। 5 लाख रुपए का बॉन्ड मिलेगा, अगर ए पार वैल्यू उसकी 1000 है तो 500 के हिसाब से आ जाएगा ना, 500 × 1000 तो ये तो मिलेगा आपको, सॉरी 5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने गोल्ड को डिपॉजिट किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करती है, एक बॉन्ड इशू कर देती है आपको, उसको बॉन्ड डिपॉजिट बॉन्ड बोल देते हैं, क्योंकि आपने डिपॉजिट बॉन्ड इशू कर दिया गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपए का, और इस पर बोला उसने कि आप इस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, यानी कि 10%, यानी 5 लाख पर आपको हर साल हम 10,000 रुपए, नहीं सॉरी 50,000 रुपए देते रहेंगे इंटरेस्ट का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा स्कीम? आपके घर पे अगर गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके घर पे अगर गोल्ड पड़ा हुआ है तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर, बोलो? नहीं सर, नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वो गोल्ड हमें जमा कर दोगे तो उस आइडियल गोल्ड पे आप क्या कमा सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो, इंटरेस्ट का, और सेफ की सेफ रह गई आपकी, कहीं चोरी होने की बात नहीं है, घर से आपको चोरी का खतरा था, यहाँ पर चोरी होने का भी खतरा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो यही। तो इसी को मॉडिफाई करके ये वाला स्कीम 2015 में और लेके आए, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई, यही वाली स्कीम को मॉडिफाई करके 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वगैरह लेके आए, और जिसमें डिपॉजिट बॉन्ड उन्होंने देने लगे, ठीक है। अब इस बॉन्ड को ये क्या चीज हो गया कि इसको एक तो रख कर इंटरेस्ट कमाओ, और अगर रखना नहीं चाहते इसको क्या करो, ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करके कैपिटल गेन कमा लो। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब मान लो 5 लाख रुपए का तुम्हारे पास गोल्ड बॉन्ड थे, आपको किसी और को ट्रांसफर करना है, आपने 7 लाख में ट्रांसफर कर दिया किसी और को, यानी कि वही हो गया ना कि यहाँ की जो गोल्ड है अभी इसके नाम होगी, अरे यही होगा ना। और अगर आप जाके गवर्नमेंट से ही खुद से बोलते हो कि नहीं मेरे को मेरा सोना वापस चाहिए और आप ये ले लो, तो वो दे देंगे आपको आपका सोना, जो वैल्यू होगी आपकी उसके सोने की उसके हिसाब से दे देंगे आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जितने का केजी के हिसाब से रहता है ना, केजी तो बढ़ने नहीं वाला ना। मान लो कि 50 ग्राम सोना था तो 50 ग्राम सोना ही आपको वहां से वापस किया जाएगा, या फिर आपका नेकलेस था 50 ग्राम का तो वही 50 ग्राम का नेकलेस ही आपको दिया जाएगा वापस, ठीक है। तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो तो आपको मिली जाएगी बाद में भी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो स्कीम सर समझ में आ गई है, देखो आप क्या बोल रहा है यहाँ पे। चलो 4-5 चीज बताओ जल्दी जल्दी से। कैपिटल एसेट्स क्या है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी है, सबको कैपिटल गेन मान लिया गया, यही था जाल फेंका गया। कौन सी चीजें, कौन सी मच्छियां बाहर निकाल दी गई? एक तो पहली मच्छी कौन सी थी? स्टॉक इन ट्रेड, फड़फड़ा रही थी, कहती मैं तो स्टॉक इन ट्रेड हूं, कहता चल ठीक है जा। फिर दूसरी मच्छी हाथ में आई, वो कहती पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट, तो पर्सनल इफेक्ट को निकाल दिया। तीसरी आई, वो कहती पर्सनल इफेक्ट, कहते रुक पर्सनल इफेक्ट तो है, तू शकल दिखा यहाँ पे क्या है। तो उसने बोला कि ज्वेलरी है, अरे नहीं 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 तू, तेरे को पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, तू तो जाल में ही रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तू तो क्या है, कैपिटल एसेट्स ही है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कल्चर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। चौथी मछली आई, चौथी मछली, तीसरी मछली, तीसरी मछली क्या कह रही है, कहती कि मैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्या कह रही है, मैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अच्छा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, चल ठीक है जा, तू कैपिटल एसेट्स नहीं। फिर पांचवी मच्छी आई, क्या कह रही है, चौथी मच्छी भाई गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो इशू किया गया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, बॉन्ड्स वगैरह अगर हो गए या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया हो गया तो भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। जब ये कैपिटल एसेट्स ही नहीं बने तो इनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ज्वेलरी, अब देखो ज्वेलरी इंक्लूड्स में, ज्वेलरी में क्या क्या बोल रहा है कि ज्वेलरी तो आपने बता दी, ज्वेलरी में इंक्लूड क्या होगा,
ज्वेलरी में इंक्लूड होगा, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम के कोई भी ऑर्नामेंट्स होंगे उसको ज्वेलरी कहा जाएगा, और एनी अदर प्रेशियस मेटल, प्रेशियस अगर मेटल होगा, प्रेशियस मेटल अगर आपका होगा तो उसको भी क्या बोला जाएगा, बोलो, उसको भी क्या बोला जाएगा, ज्वेलरी बोली जाएगी। अच्छा, एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रेशियस मेटल, यानी कि कोई सा भी अगर ऐसा कुछ अलॉय बना गया जिसमें सिल्वर भी मिक्स है, जिसमें जिसमें सोना भी मिक्स कर रखा है, जिसमें कोई प्रेशियस मेटल भी मिक्स कर रखा है, इसको भी हम क्या मानेंगे, मतलब पूरा प्योर नहीं है, होता ना, अरे बोलो, जो गोल्ड आप लेने जाते हो प्योर गोल्ड, जो 24 कैरेट आप सुनते हो, क्या 24 कैरेट कभी गोल्ड मिलता है मार्केट में? हाँ, नहीं मिलता। अरे हाथ लगाते ही पिचक जाएगा, वो इतना नरम होता है 24 कैरेट बनाने लगे, तो उसमें दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कोई ना कोई अगर यानी कोई और, जैसे उसमें तांबा मिला दिया थोड़ा सा, या फिर कोई और कुछ आयरन मिला दिया उसमें कुछ ना कुछ, तो थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता ताकि वो टाइट हो जाए थोड़ा सा, समझ में आ रहा है? वरना सोना जो 24 कैरेट का है ना, वो तो छूते ही तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, पूरा मुड़ जाएगा वो, समझ में आया? तो उसने बोला कोई सा भी अगर चीज ऐसे मिला के बनाओगे उसको भी हम क्या मानेंगे, आपकी ज्वेलरी मानेंगे, ठीक है। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रेशियस और एनी और सेमी प्रेसियस स्टोन, स्टोन मतलब डायमंड, डायमंड क्या है, स्टोन है, तो बोलो डायमंड स्टोन है कि नहीं है? अच्छा, और जो एक सफेद सफेद सी चीजें जो होती है स्टोन होती है ना, वो भी स्टोन की तरह ही होती है। तो अगर प्रेशियस मेटल वगैरह, प्रेशियस स्टोन वगैरह, किसी अलग टाइप का पत्थर अगर मिल गया जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलता, उसकी कीमत ज्यादा होती है, नहीं होती, और उसको लोग लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेदर और नॉट वर्क्ड और स्वैन इनटू एनी वेयरिंग अप्रेल्स, यानी कि मैंने बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोट है मेरा, एक कोट को मैं बेच देता हूँ, क्या वो मेरे को कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो कोट तो पर्सनल इफेक्ट में आ गया, लेकिन कोट के जो बटन है ना सोने के हैं, स्वैन इनटू वेयरिंग अप्रेल्स, समझ में आ रहा है? बटन्स जो बनाए हैं मैंने वो सोने के हैं, अब सोना बेचूंगा तो गवर्नमेंट कहेगी क्या, बोलो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, कैपिटल गेन लगेगा। मैं क्या करता हूँ, उसको सोने को बटन बना देता हूँ, किसके, अपने कोट के, कोट में जो जरी लग रही है यहाँ पे हाथ के तरफ में कुछ फिक्स कर दिया मैंने उसमें, गोल्ड का चेन टाइप का, और उस कोट को बेच रहा हूँ मैं, क्या दिखा रहा हूँ, कोट को बेच रहा हूँ। कहते कि ना ना ना, अगर आपने उसमें भी लगाया होगा स्वैन इनटू एनी वेयरिंग अप्रेल्स तो भी हम उसको क्या मानेंगे, आपकी ज्वेलरी है वो, कोट आपकी ज्वेलरी में आ जाएगा, और जो कोट अगर आपकी ज्वेलरी में आ गया तो फिर जो कोट को बेच के जो भी आपने कमाया और उससे इनकम हुई, आपका क्या माना जाएगा, वो कैपिटल गेन, ठीक है। प्रेशियस, सेमी प्रेशियस क्या है हमारा, स्टोन, वेदर और नॉट सेट इन फर्नीचर, फर्नीचर में मैंने क्या डायमंड के फर्नीचर बना रखे हैं, गोल्ड का फर्नीचर बना रखा है मैंने, उसमें फर्नीचर में मैंने गोल्ड के, गोल्ड की चीजें लगा रखी है, गोल्ड की परत चढ़ा रखी है, डायमंड धीरे 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 लगा रखा है, यूटेंसिल्स मैंने जिसमें खाना खाता हूँ वो गोल्ड की यूटेंसिल्स है मेरी, ठीक है। अदर आर्टिकल्स और वर्क और स्वयं इंटू वेयरिंग अप्रेल्स, चाहे वो मैंने किसी वेयरिंग अप्रेल में भी क्यों ना लगाया हो, घड़ी में मैंने लगा दिया, घड़ी में मैं क्या लगा रहा हूँ, अच्छा एक बात, तो घड़ी तो वैसे पर्सनल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि गोल्ड वॉच क्या पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल इफेक्ट है गोल्ड वॉच, नहीं है, तो यानी कि उस पर कैपिटल गेन आएगा, समझ में आ गया। मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि टीवी, कार, फ्रिज, एसी, वॉच, ये सारी की सारी चीजें क्या हमारी कैपिटल एसेट नहीं है, तो कैपिटल गेन तो ट्रांसफर पर लगेगा नहीं, लेकिन ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी की सारी हमारी कैपिटल एसेट्स है और ट्रांसफर पर हमें क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। गोल्ड यूटेंसिल्स, गोल्ड वार, सिल्वर कॉइन्स फॉर हेल्ड नॉट बी पर्सनल इफेक्ट, उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, जैसे कि गोल्ड के बिस्किट्स हो गए, बिस्किट है पता ना आपको, गोल्ड बिस्किट्स जिसकी तस्करी होती है पता है ना, वहां से स्मगलिंग करते हैं गोल्ड बिस्किट्स की, गोल्ड बिस्किट्स हो गए, सिल्वर बार्स हो गए, तो ये सारी सारी चीजें के पर्सनल इफेक्ट नहीं है, उसको कैपिटल गेन आएगा ही आएगा। ये कैसे, कहाँ डिसाइड किया गया था, ये डिसाइड किया गया था कोर्ट ने, किसमें, महाराजा राणा हेमंत सिंह
पर्षद सीआईटी, सीआईटी यानी कमिश्नरेट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, समझ में आ रहा है, इनके वर्सेस में जो केस चल रहा था इसमें डिसाइड किया गया। वो कहता है कि मेरा जो गोल्ड का यूटेंसिल्स हमारा जो रखा गया, आपने बोला था यूटेंसिल्स जो होती है वो हमारी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं गोल्ड के क्या करते थे, ये यूटेंसिल्स रख लेते थे, समझ में आ रहा है, गोल्ड के क्या कर लेते थे, हम महाराजा जमाने से हैं, सिल्वर और यूटेंसिल और गोल्ड की जो बर्तन होते हैं उसी में खाना खाते हैं हम, और वो हमारा क्या है, पर्सनल इफेक्ट है। अब पर्सनल इफेक्ट को अगर हमने किसी को उठा के बेच दिया तो आप ये मत कहो कि कैपिटल गेन लगेगा और कैपिटल गेन जमा करो, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर फिर ये कोर्ट में केस गया था, कोर्ट में केस ये डिसाइड हुआ कि भैया गोल्ड के अगर तुम्हारे पास यूटेंसिल्स हैं, सिल्वर के बार्स हैं या सिल्वर कॉइन्स हैं, इनको माना जाएगा क्या, इसने उनको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया तो वो कैपिटल गेन में कवर हो जाएंगे, समझ में आ गया। सिल्वर यूटेंसिल्स, उसने बोला कि सिल्वर यूटेंसिल्स एक है हमारा, बनर्सी लाल वर्सेस सीआईटी। बनर्सी लाल जी क्या कह रहे थे, वो कहते हैं कि हमारा, हम खानदानी अमीर है, हम क्या करेंगे सिल्वर के यूटेंसिल्स में खाते हैं, सिल्वर के यूटेंसिल हमारे दादा परदादा और हमारे जितने भी खानदान के सारे इसी में खाते थे, तो हम ये प्रथा को, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सिल्वर यूटेंसिल्स ही हम खाएंगे, उस पर खाएंगे। तो क्या हो गया, उसमें भी कोर्ट में डिसाइड हुआ कि वो पर्सनल इफेक्ट आर टू बी हेल्ड एज पर्सनल इफेक्ट। उसमें क्या बोला गया कि चलो ठीक है, सिल्वर यूटेंसिल्स को तो आप मान सकते हैं कि हम क्या है तुम्हारा पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन गोल्ड यूटेंसिल्स को हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। सिल्वर है चलो ठीक है, सिल्वर में बंदा खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता, रख सकता है, सिल्वर यूटेंसिल्स क्या है, पर्सनल इफेक्ट है एंड नो कैपिटल गेन अराइज्ड, समझ में आ गया। कार यूज्ड इन बिजनेस, अगर कोई कार वैसे हमारे पर्सनल पर्पस के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन कार अगर बिजनेस की है तो वो कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। कार पर लगती है क्या, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएबल एसेट्स को अगर ट्रांसफर करेंगे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, समझ में आ गया या नहीं आ गया, बोलो। चलो सर समझ, हमारे आगे बढ़ो, देखो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने बोला था कि एग्रीकल्चर लैंड कौन सा लैंड होना चाहिए एग्रीकल्चर का, बताओ बताओ, बोलो बोलो, कौन सा लैंड होना चाहिए, जो कि रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, सर रूरल एरिया में, रूरल एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर बेचा तो नॉट अ कैपिटल एसेट्स, वो कैपिटल एसेट्स हमारा है ही नहीं, ठीक है। अच्छा सर रूरल एरिया का मतलब क्या हो गया फिर, जो कि अर्बन एरिया है, रूरल एरिया मतलब एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया इज अ कैपिटल एसेट्स, समझ में आ रहा है, रूरल एरिया मतलब जो कि अर्बन नहीं है, अर्बन मतलब उसकी डेफिनेशन दे रखी है, रूरल एरिया मतलब जो कि अर्बन नहीं है, और अर्बन एरिया मतलब इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जो अर्बन एरिया है वो अर्बन एरिया है, जिस जो अर्बन एरिया को छोड़ के जितने भी एरिया हो जाएंगे वो रूरल एरिया हो जाएंगे। अब अर्बन एरिया कौन सा है, उसने बोला कोई सा भी ऐसा एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आती है और उसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज्यादा है, समझ में आया या नहीं, बोलो। ने बोला कोई सा भी ऐसा एरिया, ये एक ऐसा एरिया जो पूरा का पूरा म्युनिसिपैलिटी के, ये एरिया है बाउंड्री है जो कि म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आती है, ठीक है, इस म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आती है ये चीज, और इस एरिया में 10,000 और उससे ज्यादा का क्या है, मोर 10,000 एंड मोर क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन वहां पे क्या होगी 10,000 से ज्यादा की, तो उसको उस एरिया को क्या मान लिया जाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से, अर्बन एरिया। और इस एरिया में अगर कोई लैंड है तो इसको बोलेंगे अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेचा आपने तो कैपिटल गेन लगेगा, समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब समझो एक और चीज उसने बोला, लैंड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में अगर कोई लैंड है शैल बी कंसीडर्ड टू बी अर्बन एरिया, उसको अर्बन एरिया माना जाएगा इन दी फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग केसेस का मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, अब समझो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है, बात समझो। अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले अर्बन एरिया की, देखो अगर मैं मान लो यहां पे इस एरिया को बोलूं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये इसमें 9,000 लोग हैं, पॉपुलेशन है 9,000 की,
तो क्या ये अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है? बोलो, अर्बन एरिया, रूरल एरिया? रूरल एरिया। रूरल एरिया। अच्छा रूरल एरिया, यहां पर कोई लैंड होगी एग्रीकल्चर लैंड, उसको बेचूंगा तो क्या कैपिटल गेन लगेगा मेरे को? नहीं नहीं सर। लगेगा। चलो, एक एरिया है जो कि म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड जो होता है हमारा उसमें आते हैं ये एरिया, और इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो है क्या, 10,000 और मोर की पॉपुलेशन है। ठीक है, ठीक है, 10,000 मोर की, 10,000 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा है बट 1 लाख से, 1 लाख तक से कम है, 1 लाख तक है। क्या बोला? 1 लाख तक है, 10,000 से ज़्यादा बट 1 लाख तक। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया को तो हम अर्बन मानेंगे ही मानेंगे, कोई शक है यस इसमें? सर। नहीं सर, कोई शक नहीं है। लेकिन सर एक और बात बताऊं मैं, ये जो यहां पे मान लो ये इसके चारों तरफ, एरिया के चारों तरफ एक एरिया है, ये एरिया के चारों तरफ एक एरिया बनता है, इसको बोलते हैं अप टू 2 किलोमीटर तक का एरिया। क्या बोलेंगे? 2 किलोमीटर तक का एरिया, एयरली मापेंगे, एयरली, ऐसे नहीं रोड से जाएंगे 2 किलोमीटर ऐसे, क्योंकि रोड से तो ऐसे घूमने 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 घामने में ऐसे 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 में लग जाता है ना, रोड से नहीं, एयरली, एयरली 2 किलोमीटर है। कितना है ये बोलो? ये है 2 किलोमीटर, यह है कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ये जो इस 2 किलोमीटर में, अगर मान लो यहां की साइड में, मैं बोलूं कि यहां की साइड में ये जो है एक और, ये आता है अर्बन एरिया, ये है अर्बन एरिया, तो इस 2 किलोमीटर का अर्बन एरिया का कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है, तो अर्बन एरिया में ही आएगा। मान लो यहां पर आ गया आपका एक रूरल एरिया, ये जो एरिया आता है, ये आता है किसी म्यूनसिपैलिटी के अंडर में, ये एरिया आता है, इस एरिया में क्या होता है 9,000 तक क्या है पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है 9,000 तक, तो ये रूरल एरिया हुआ या नहीं हुआ? लेकिन यस सर। लेकिन एक बात समझो, 2 किलोमीटर के अंडर अंडर फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अर्बन एरिया, उस अर्बन एरिया के ज्यूरिसडिक्शन के 2 किलोमीटर एयरली मेजर करके, 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कोई भी लैंड है, कोई भी लैंड है, उसको हम अर्बन एरिया ही मानेंगे। लेकिन इस एरिया में मतलब क्या हो गया अल्टीमेटली, अगर मैं कुछ बोलूं तो इस एरिया में अगर आपका कुछ लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे और कैपिटल गेन लगेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कैपिटल गेन लगेगा। ऑल दो ये वाला जो एरिया है वो किसके अंडर में है? कुछ ही ऐसे बोर्ड के अंडर में है जो कि जहां की पॉपुलेशन 9,000 से कम है, तो यानी कि वो अर्बन एरिया में आ रही है, लेकिन वो किसके 2 किलोमीटर के अंदर में है, जहां पर पॉपुलेशन किसी ऐसे अर्बन एरिया के 2 किलोमीटर के अंडर में आ रहा है, 2 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, मतलब जहां से उनकी लिमिट खत्म होती है उनके 2 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, जो 10,000 और 1 लाख की पॉपुलेशन रखते हैं। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो ऐसे एरिया को क्या बोला जाएगा? अर्बन एरिया। कोई डाउट है तो बताओ। समझने में, तो एरिया है ये एरिया अर्बन एरिया, सॉरी इसको ये अर्बन एरिया, अर्बन सॉरी ये क्या एग्री यार, रूरल एरिया होते हुए भी इसको अर्बन एरिया माना जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस चलो सर समझ में आ गया है। तो ऐसे ही यहां पर दो तीन चीजें हैं, इसने क्या बोला समझो, ये कहते हैं, अब मैं यहां से कैटेगरी कैसे ये क्या बना देता हूँ, गोल बना देता हूँ।
देखो ये एक एरिया है, मैंने क्या बोला, अरे देखा मेरी कारस्तानी बना सकते हो ऐसा गोल। देखो अगर इस एरिया में, इस एरिया में 10,000 बोलो 10K और अप टू 1 लाख तक है, जल्दी बताओ 1 लाख तक है, तो इसके जो आगे के 2 किलोमीटर्स हैं, 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स को क्या माना जाएगा, अर्बन अर्बन एरिया माना जाएगा। अर्बन एरिया माना जाएगा 2 किलोमीटर तक। अगर मान लो इस एरिया में, मतलब इसी एरिया में की बात कर रहा हूं मैं, इसी एरिया के कैटेगरी इसी के अंदर लिख रहा हूं मैं, 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लैक्स तक है, तो इस इसकी जुरिस्डिक्शन के 6 किलोमीटर, मान लो 6 किलोमीटर तक क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर इस सर, इस गोले की पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से लेकर, 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है, तो फिर नेक्स्ट जो एरिया माना जाएगा ना हमारी जुरिस्डिक्शन से 6 किलोमीटर तक, हम बोलेंगे 6 किलोमीटर तक हम अर्बन एरिया मानेंगे, चाहे उसमें वो वाला एरिया किसी अर्बन क्या रूरल एरिया के अंडर में ही क्यों ना आ रहा हो, म्यूनसिपैलिटी के अंडर में, ठीक है वो अर्बन एरिया ही माना जाएगा। अगर आपकी पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन है, अगर आपकी पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां पे, कितनी भी हो 10 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए इस एरिया की पॉपुलेशन जो 10 लाख से ज्यादा है, तो यहां से लेके 8 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स तक, कितना किलोमीटर्स तक, पर 8 किलोमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। क्या बात यहां पे समझ में आ गई है अच्छे से। सर मैं देख रही है कोई चीज, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है क्या, बोलो समझ में आ गया था ना, वो नोट डाउन कर लिया था, वो यस नोट डाउन कर लिया था। सर। चलो ये देखो क्या बोल रहा है, वही चीज ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे उसको टेबल में नीचे चार। सर। हाँ बोलो बोलो। अच्छा सर। रहा है, चलो जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो था ये वाला पोर्शन पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, वही चीज है, वही चीज मैंने नीचे लिख रखा है, इफ रूरल एरिया इज विद इन द डिस्टेंस ऑफ सच किलोमीटर फ्रॉम द लिमिट ऑफ अर्बन एरिया, अगर 2 किलोमीटर के अर्बन एरिया के अंदर अंदर में, कौन सा एरिया, कौन सा अर्बन एरिया जहां पर 10,000 और उससे 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, 6 किलोमीटर तक के एरिया को माना जाएगा जहां से, जिस अर्बन एरिया में क्या है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, किसी अर्बन एरिया में 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो उसके 8 किलोमीटर तक के एरिया को भी क्या माना जाएगा, वो मेजर कैसे करेंगे, एयरली मेजर करेंगे, पॉपुलेशन मींस मींस जो लास्ट सेंसस से निकाला गया है उसको बोलेंगे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट सेंसस,
ठीक है, प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में जो लास्ट सेंसस के हिसाब से हमारा डेटा निकाला गया उस पॉपुलेशन को लेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड इन फॉरन, अगर फॉरन में कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। मिस्टर एक्स हैज एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया विच वॉज सोल्ड बाय हिम, इन दिस केस देर इज नो कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। मिस्टर एक्स हैज वन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, क्या अगर अर्बन एरिया में होगा तो एग्रीकल्चर वो आएगा, यस कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। मिस्टर एक्स रेजिडेंट तो ऑर्डिनरी यहाँ का है लेकिन सोल्ड वन एग्रीकल्चर लैंड इन यूएसए, एक यूएसए में उसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेच दिया, क्या कैपिटल गेन लगेगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो भी रूरल एरिया में, फॉरन के रूरल एरिया में उसका एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? यस लगेगा, क्यों कि भैया फॉरन का कोई भी हो, फॉरन में है मतलब इंडिया में, रूरल एरिया में, रूरल एरिया में इंडिया में नहीं होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना, इंडिया में होना चाहिए, अगर इंडिया में है तो नहीं लगेगा, वरना फॉरन में अगर होगा तो मतलब ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या ये पूरा? देखो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, एक तो बोला था मैंने कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, दूसरा बोला था ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट्स होगा तभी जाके हमारा ट्रांसफर करने पर वो कैपिटल गेन लगेगा, ट्रांसफर ही माना नहीं गया किसी किसी चीज को, अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफर ही नहीं माना गया तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? बोलो। नहीं देखो क्या बोला, ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स सेल, किसी चीज को आपने सेल कर दिया तो ट्रांसफर माना जाएगा, किसी चीज को आपने एक्सचेंज कर दिया, आपने लैंड दिया उसके बदले आपने कुछ मान लो कुछ हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, लैंड दिया आपने गोल्ड ले लिया एक्सचेंज कर दिया अपनी प्रॉपर्टी को, उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा। और जिस जिसने ट्रांसफर एक्सचेंज किया है, यानी कि मैंने गोल्ड को ट्रांसफर किया, समझ में आ गया, तो मेरे को कैपिटल गेन आएगा, और जिसने लैंड को ट्रांसफर किया है उसको भी कैपिटल गेन आएगा, उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब कि छोड़ देना, छोड़ देना मतलब, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब किसी एसेट्स को छोड़ देना, तो उसको भी क्या बोलेंगे, जैसे ही मैंने बोला कि गिफ्ट दे दिया मैंने, समझ में आ रहा है या नहीं? मैंने किसी को उस पर जो एसेट्स है वो मैंने छोड़ दिया, मैंने किसी और के नाम पे कर दिया, कुछ लिया ही नहीं उससे, ठीक है, वो उसको मैंने छोड़ दिया, तो उसको भी क्या बोलेंगे, रिलिंक्विशमेंट। जैसे कि मैं मानूं कि मैं बोलूं कि कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया मेरी प्रॉपर्टी का किसने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा अपना उसको एसेट्स को छोड़ना पड़ेगा, यार पकड़ के रखूंगा मैं उसको, छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया। रिलिंक्विश करने का भी क्या बोलेंगे, ट्रांसफर होगा, अगर वो ट्रांसफर है तो हमें कैपिटल गेन आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर।
अच्छा अब बोलो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, जो मैंने बोला था कि राइट शेयर, निर्वापन या फिर परिशमन, इसकी हिंदी मीनिंग यही आ रही थी मेरे पास, और कोई मेरे को मिली नहीं जो मैं इसको हिंदी में बता सकूं। सिंपल शब्दों में ये समझो, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होगा, कोई सा भी राइट को अगर आप छोड़ते हो तो, यहाँ पर एसेट को छोड़ते हो तो उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट, लेकिन अगर किसी राइट को छोड़ते हो तो आप बोलते हो एक्सटिंग्विशमेंट। जैसे कि हमने बोला था कि राइट शेयर, लास्ट के क्लास में पढ़ा था, राइट शेयर को मेरे को राइट मिला था कंपनी से राइट शेयर के लिए, और उस राइट को मैंने सेल कर दिया, यानी कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट किया और मैंने पैसा कमाया। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे, उसको भी ट्रांसफर बोलेंगे, और उसको अगर ट्रांसफर बोलेंगे तो इसीलिए वो कैपिटल गेन हेड में टैक्स हो रहा था। समझ में आ गया? कंपल्सरी एक्विजिशन अगर किसी ने कर लिया तो उसको भी क्या बोलोगे, बोलो बोलो, उसको भी क्या बोलोगे? ट्रांसफर, ठीक है। इन केस वेयर एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि मान लो मेरे घर के पास, घर में कुछ ज्वेलरी थी, ज्वेलरी सबके घर में होती है नहीं होती है, रिंग पड़ी थी, नेकलेस पड़े थे, सबके घर में ज्वेलरी है, और ज्वेलर्स का तो बिजनेस ही ज्वेलरी बेचने का है, जो इसके बिजनेस में जो ज्वेलरीज पड़ी हुई है, समझ में आ रहा है, ये तो स्टॉक इन ट्रेड है। अरे बोलो। यस सर। स्टॉक इन ट्रेड है तो इस पर तो कैपिटल गेन नहीं आया था ना, तो पीजीबीपी में इनकम जाता है, लेकिन इसके घर पे जो ज्वेलरी पड़ी हुई है, इसके घर पे जो इसकी वाइफ पहनती है ज्वेलरी, इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी इसकी वाइफ ने पहन रखा है, ये इतनी लंबी लंबी ज्वेलरी पहन रखा है इसने, ठीक है, इसकी वाइफ ने इतनी लंबी लंबी ज्वेलरी पहन रखी है, ज्वेलरी की दुकान है तो ज्वेलरी पहन रखी है, कहते हैं हमारा पर्सनल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलोगे आप, क्या ये तो कैपिटल एसेट्स है, तो कैपिटल एसेट्स है, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। तो बोलो, ज्वेलरी की, ज्वेलरी शॉप के जो ओनर है उनकी वाइफ, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस ज्वेलरी को उठाकर इन्होंने बोला कि चलो यार हम स्टॉक इन ट्रेड में रख देते हैं और हम यहां से बेचेंगे, यानी कि कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल एसेट्स को क्या बना दिया, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जब बन जाएगा तो क्या वो कैपिटल एसेट बचेगा, नहीं, वो स्टॉक इन ट्रेड बन गया। जैसे ही कन्वर्जन हुआ, इस कन्वर्जन को ही क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बोल देंगे। जैसे ही इस कन्वर्जन को ट्रांसफर बोलोगे तो यानी कि किस वैल्यू पे, वो अब आगे हम पढ़ेंगे, इसको ट्रांसफर माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा तो हम इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। बात आ गई समझ में या नहीं आई? जिस दिन आप कन्वर्ट करोगे इसको, उस दिन हम आपसे कैपिटल गेन की बात करेंगे, क्योंकि आगे तो हम कैपिटल गेन की बात करेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, ऐसे तो बंदे क्या करेंगे कि अच्छा कैपिटल गेन, तो अपनी सारी की सारी ज्वेलरी को क्या दिखा दिया, स्टॉक एंड ट्रेड दिखा दिया, और उसको बेचे चले जा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई, जिस दिन आप कन्वर्ट करोगे तो आपको कैपिटल गेन जमा करना पड़ेगा। कब जमा करना पड़ेगा वो अभी बाद में आगे पढ़ेंगे, जिस दिन ये ट्रांसफर कर देंगे ना उसको, तब जमा करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट आज करेंगे हम, जिस दिन ट्रांसफर करोगे। चलो, मैच्योरिटी और रिडम्शन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का अगर रिडम्शन हो जाता है उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा, और ट्रांसफर होने पर जो भी आप कमाओगे उसको बोलेंगे क्या, कैपिटल गेन लगे, ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अलाउइंग ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या बोला गया, कोई सा भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें अलाउ कर दिया पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दे दे, इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लो मैं बेची मैंने, ठीक है, और मैंने क्या कहा कि यार इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मैंने उसको दे दी, पोजेशन मैंने, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर एक्स ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची मिस्टर वाई को, अब मिस्टर वाई को ये घर दे तो दिया, मिस्टर वाई की पोजेशन में है, मिस्टर वाई इसके मजे ले रहा है, लेकिन और इसने इसको पैसे भी पेमेंट कर दिए, लेकिन अब तक इसको अपने नाम पर नहीं किया है, मिस्टर वाई ने अपने नाम पर नहीं किया है, या फिर उसने पैसे पूरे पेमेंट नहीं किए, लेकिन पोजेशन तो इसके हाथ में आ चुका है। क्या बोला, पोजेशन किसके हाथ में आ चुका है, मिस्टर वाई के हाथ में। तो जैसे ही पोजेशन आ गया, ये तो सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस के तौर पर मैंने पोजेशन दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हुआ था, सेल का हुआ था, लेकिन उसने अब तक सेल किया नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्टी के मजे ले रहा है, प्रॉपर्टी के मजे ले रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे, और ट्रांसफर मान लेंगे तो कैपिटल गेन आपको लगेगा ही लगेगा। आप कहोगे पर मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी आई नहीं इस साल,
मतलब लीगली तो मेरे नाम पे, अरे लीगली छोड़ो, आपने उसको घर दे दिया रहने के लिए, मजे लेने के लिए दिया या नहीं दिया? यहाँ पढ़ो क्या बोला, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अलाउिंग ऑफ पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन इस बंदे को दे दिया, अलाउ कर दिया, टू बी टेकन एंड रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस किया या नहीं किया? यस, पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसको भी आप ट्रांसफर मानेंगे, और ट्रांसफर मानेंगे तो आपका कैपिटल गेन उस साल में लगेगा ही लगे। एनी ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर होता है, एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है किसमें? देखो अब होता क्या है कि यहां पर सोसाइटी बनती है, सोसाइटी में 10 लोग हैं, के सारे दो 10 लोग, 10 लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया है फॉर कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है। उनके पास घर है, उनके पास क्या है, घर है, और इनको क्या कर रखा है, इन्होंने घर की बिल्डिंग खड़ी करी और इनको बोला कि ये हमारे काम के लिए ही है, इस पर रहने का हक किसका है, इन 10 लोगों का, 10 लोगों को अलॉट किया जाएगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। अब 10 लोगों को अलॉट किया जाएगा, अब जब 10 लोगों को अलॉट किया जाएगा तो ये जो 10, इसमें से एक बंदा जो है, ये बंदा क्या करता है, ये बंदा अपना राइट जो है वो किसी और को दे देता है, बेच देता है, कहता है कि मैं यहां से निकलना चाह रहा हूं भैया, किसी और को बेच दिया, तू इस सोसाइटी में मेंबर बन जा और मेंबर बन के इसका मजा ले। अरे समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। यही होगा ना, मेंबर, मैं भाई मैं नहीं बनना चाहता, तू मेंबर बन ले, अपने ब्रदर को मैंने मेंबर बना दिया, और ये जो ब्रदर है उसका, वो इसके मजे लेगा नहीं लेगा? बोलो, यस लेगा। सर। तो ये चीज जो किया, यानी कि प्रॉपर्टी तो इसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई लीगली, प्रॉपर्टी तो अभी भी इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम पर ही है। आप कहोगे एसोसिएशन पर्सन ने तो भैया ट्रांसफर किया ही नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने तो ट्रांसफर किया ही नहीं, यहां पर मेंबर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और मेंबर के ट्रांसफर होने मतलब, यानी सॉरी मेंबर, यानी कि मेंबर ने हट गए, दूसरा मेंबर आया, और दूसरा मेंबर क्या कर रहा है, दूसरा मेंबर इस प्रॉपर्टी के मजे ले रहा है इस राइट के थ्रू। तो उसने बोला देखो अब पढ़ो, एनी ट्रांजेक्शन वे वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, मेंबर बनकर ऑफ, या फिर एक्वायरिंग शेयर, या फिर इसमें शेयर ले लिया, इसमें इस एओपी, या फिर कंपनी है, कंपनी में शेयर ले लिया, ठीक है, तो एनी शेयर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो थे उन्होंने मिलकर उनके में क्या बन गए, तुम मेंबर बन गए, बाय वे ऑफ अग्रीमेंट से तुम मेंबर बन गए, और मेंबर बन के क्या कर रहे हो, मेंबर बन के विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और अनेबलिंग द इंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या मैं उसको राइट ट्रांसफर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं उस इंजॉयमेंट प्रॉपर्टी के लिए? बोलो बोलो बोलो, कैसे हो रहा है? तो राइट तो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस ट्रांसफर बोल, ट्रांसफर बोलेंगे तो आपको क्या लगेगा, कैपिटल गेन कैपिटल लगेगा। गेन। आई होप यहाँ पे पूरा पूरी बात अच्छे से समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यस सर। चलो यहाँ तक तो आपको पूरी बात सही से समझ में आ गई, तो